मैं बगैर किसी ताखिर के बुलाना चाहता हूँ रेजिडेंट एडिटर NDTV लखनऊ जनाब कमाल खान साहब को। ये अच्छा किया है कि आपने हमारे सामने कैमरा लगा दिया है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से सिर्फ कैमरे के सामने बोलता हूँ। तो कैमरा नहीं होता तो बहुत नर्वस होते हैं, थोड़ा उल्टा मामला है। कई लोग कैमरे के सामने आने पे नर्वस हो जाते हैं, यहाँ कैमरा नहीं होता तो हम लोगों से बातचीत करने में नर्वस होते हैं। एहतशाम साहब ने और आपने बहुत अच्छी बातें कहीं, सिवाय इसके कि जो तारीफ़ की वो झूठी थी सारी। और हमारी खुशनसीबी है कि हमारे जैसे मामूली आदमी को आपने यहाँ बुलाया कि मैं आप से मुखातिब हो सकूं। तो मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का, VC साहब का, एहतशाम साहब का, मास्कॉम डिपार्टमेंट का, सारे तलबा का, फैकल्टी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये मौका दिया कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। और मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात इसलिए भी है कि मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसने कभी मास्कॉम पढ़ा नहीं है, कभी जर्नलिज्म के किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लिया था। मैं रशियन का आदमी, एक्चुअली मैं उर्दू और हिंदी का आदमी नहीं हूँ, मैं रशियन इंटरप्रेटर था। तो एक दिन, चूँकि पढ़ने लिखने का शौक़ था, बहुत तरह के हमें शौक़ हैं, जिसमें आर्किटेक्चर का शौक़ है, लैंडस्केपिंग का शौक़ है, क्ले मॉडलिंग का शौक़ है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का शौक़ है, बहुत तरह के काम करते जो आपको पता नहीं है, अभी एहतशाम साहब को नहीं वो सब भी बताते। तो उसी तरह मैं एक दिन जर्नलिस्ट बन गया। हमारे घर वालों ने हमें उर्दू पढ़ाई नहीं थी, हमने BA में उर्दू सीखी, मैं उर्दू में कैलीग्राफी करता हूँ। मुझे पंजाबी नहीं पढ़ाई थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने पंजाबी पढ़ी और गुरमुखी से ट्रांसलेशन किया अमृता प्रीतम की किताब नवियां कलमा का। तो बहुत तरह के काम मैं शौकिया करता हूँ। तो हमें इसलिए हमें लगता है, रूस का एक अखबार है प्रावदा, उसमें बहुत पहले एक किसी व्लादिमीर नाबाकोफ नाम के कोई ड्राइवर थे, जो कि लोलिता के इत्तेफाकन राइटर का भी नाम है, उनकी एक खबर छपी थी, उसकी हेडलाइन थी कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने लेनिनग्राद की सड़कों पे नेहरू की कार ड्राइव की है। तो हमारे जैसे आदमी को जिसने कभी मास्कॉम ना पढ़ा हो, और अगर आप से ख़िताब करने के लिए, आपसे मुखातिब होने के लिए बुलाया जाए, तो वाकई ये हमारे लिए उतने ही फ़ख्र की बात है। दरअसल टेलीविज़न जो है वो, देखिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और ये जो टॉपिक है, इसमें इसके तीन पहलू हैं। हम आपको ये बताएंगे कि वो पब्लिक ओपिनियन बनाने का इतना बड़ा ज़रिया कैसे है, क्या वाकई जो न्यूज़ चैनल हैं वो सिर्फ TRP ड्रिवन है, TRP के अलावा कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, या उनका कुछ सोशल कंसर्न भी है। अगर वो TRP ड्रिवन है तो ऐसा क्यों है, और इन हालात को बदला कैसे जा सकता है। कुछ लोगों को कहना है कि अगर, वैसे मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, पूरा पढ़ूंगा नहीं। एक दिलचस्प किस्सा आपको बताएं, जब रामदेव जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है बालकृष्ण, तो वो बालकृष्ण के ऊपर कुछ साल पहले एक मुकदमा हो गया था कि उन्होंने कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री ली। तो वो थोड़े दिन फरार वरार थे, कुछ केस चल रहा था। एक बार वो आए हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिख के लाए थे। हमारे एक दोस्त थे CNN IBN के, वो वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काफ़ी रोने भी लगे थे बीच में। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तो वो उठ के अचानक उनके सिक्योरिटी के लोगों ने उनको घेरे में ले लिया और उनको लेके फौरन चले गए। तो हमारे जो दोस्त थे वहाँ मौजूद, वो गए, उन जो लिख के लाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कागज़ वहाँ रखा हुआ था, तो उन्होंने उसको पढ़ा। तो बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में लिखा हुआ था मोटे फॉन्ट में कि यहाँ ज़ोर से रोना है। तो अभी हमारी वो हालत नहीं है कि हम रोने के लिए लिख के ले आएँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, आपसे इजाज़त चाहेंगे, इसको पढ़ेंगे भी। देखिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने में न्यूज़ चैनल्स का बहुत बड़ा रोल है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर आज़ादी के लड़ाई के टाइम पे ये जो 400-450 न्यूज़ चैनल हैं हिंदुस्तान में, अगर ये रहे होते तो अंग्रेज़ बहुत पहले इस मुल्क को आज़ाद करके भाग जाते, क्योंकि हम बहुत बड़ा रोल उसमें अदा करते हैं। और लेकिन आजकल हम लोग हेट सिंबल हैं, सारे लोग गाली दे रहे हैं न्यूज़ चैनल को, जहाँ भी जाते हैं लोग बुरा भला कह रहे हैं, उनको लगता है कि ये बिके हुए लोग हैं,
कोई शराब पिला देता है, शराब पी के खबर लिख देते हैं, घूस दे देता है, घूस लेके खबर लिख देते हैं, भूत दिखाते हैं, प्रलय दिखाते हैं, तरह तरह की फर्जी भविष्यवाणियाँ दिखाते हैं। हमारी एक दोस्त हैं सुनीता एरन, वो हिंदुस्तान टाइम्स की सीनियर रेजिडेंट एडिटर हैं, दो तीन स्टेट्स के हिंदुस्तान टाइम्स की हेड हैं। एक दो साल पहले हम उनके फार्म हाउस पे गए हुए थे, तो वहाँ पे एक खाना था वहाँ पे, तो एक ब्रिगेडियर साहब थे आर्मी के, और वो बहुत बुरा भला कह रहे थे हम लोगों को। तो वो बता रहे थे बाकायदा कि एक चैनल ने दिखाया कि कैसे मिक्का ने राखी सावंत को किस किया, और बाकायदा वो मुंह गोल करके मुंह से आवाज़ निकाल निकाल के किस करने का तरीका बता रहे थे कि कैसे किस किया। हमने उनसे कहा कि सर आप तो बहुत पवित्र आदमी हमें लगते हैं, आपने ये देखा क्यों? जेनिथ रेडियो कॉरपोरेशन ने 1950 में रिमोट का इजाद इसीलिए किया था कि आप जैसे अच्छे लोग संस्कार टीवी, आस्था चैनल, पीस टीवी, गॉड टीवी ये सब देखें और ये ना देखें। चैनल किस लिए, रिमोट किस लिए बना है? तो अभी क्या है कि हर सोशल गैदरिंग में मॉरल हाई पॉइंट लेकर के वो सारे लोग जो खुद घूस लेते हैं, जिनकी पूरी खानदान घूस लेती है, जो दुनिया के हर गलत काम करते हैं, वो टीवी चैनल को गाली देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक फैशन है टीवी चैनल को गाली देना। लेकिन सारी चीज़ें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन क्योंकि अगर हम उसको बताएंगे तो कई साल लगेंगे कि मीडिया ने अच्छा काम क्या किया, कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। अभी JNU का एपिसोड हुआ, NDTV इंडिया ने अपनी पूरी स्क्रीन को ब्लैक करके दिखाया कि किस तरह से एक डॉक्टर्ड वीडियो को दिखा करके किस तरह से बिना रैशनल हुए किस तरह से एक गलत चीज़ को आप सोसाइटी में दिखा करके डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। ABP न्यूज़ चैनल पे किशोर आजवानी एक एंकर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया जिसमें स्क्रीन के ऊपर उन्होंने दिखाया, वो जो नारे लग रहे थे हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनका कहना था कि ये जो स्क्रीन है इसमें रात का शूट है, थोड़ा लॉन्ग शॉट है, जो लोग हाथ उठा रहे हैं ये कम लग रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा है, जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऑडियो अलग से डाला गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि JNU में ही बहुत ऐसे स्टेट्स के लोग पढ़ते हैं जहाँ पे अलगाववादी आंदोलनों का बहुत असर है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों चाहे वो कश्मीर के हों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी हुर्रियत उर्रियत ने कहीं कश्मीर के डाउनटाउन में जुमे को कई बार नारे लगते हैं कुछ, वहाँ से नारे को लाके यहाँ लगा दिया गया हो? तो उन्होंने एक चीज़ दिखा के ये बताने की कोशिश की, जब तक ये बात नहीं आई थी कि वीडियो डॉक्टर्ड है, उन्होंने अपने टेलीविजन चैनल में दिखाने की लोगों को कोशिश की। एक ऐसे माहौल में जब बड़े पैमाने पे 3 न्यूज़ चैनल वो डॉक्टर्ड वीडियो दिखा रहे थे, तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि ऐसा लगता है कि हाथ कम लोग उठा रहे हैं, ऑडियो ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि ऑडियो कहीं से ला करके इसमें डाला गया हो। इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल के ऊपर जो हेडलाइंस टुडे था, वो इंडिया टुडे नाम हो गया है, उस पर राहुल कंवल ने बाकायदा 1 घंटे का एक प्रोग्राम किया जिसमें CBI के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के जो रिटायर्ड हेड थे उनको बुलाया गया और उनसे पूछा कि आप कैसे चेक करते हैं कि कौन सा वीडियो डॉक्टर्ड है और कौन सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, हम उससे चेक करते हैं। उन्होंने वो 3 वीडियो उनको दिए और कहा कि आप बताइए इसमें कौन सा डॉक्टर्ड है और कौन सा नहीं है। वो वीडियो जो हिंदुस्तान के 3 चैनल दिखा रहे थे, उस वीडियो को उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर में डाला और फिर दिखाया और कहा कि ये डॉक्टर्ड है, और जो डॉक्टर्ड वीडियो है उन्होंने स्क्रीन पे दिखाया, जैसे अस्पताल में मरीज के मॉनिटर के ऊपर लगा रहता है उसके हार्ट वगैरह का वो दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि स्क्रीन पे जिसमें डबल लकीरें आ रही हैं इस तरह से, वो डॉक्टर्ड है, उसमें एक लकीर जो है वो बाहर के वीडियो की है, और वो वीडियो जो अकेली लकीरें चल रही हैं जिसमें एक लकीर चल रही है, वो डॉक्टर्ड नहीं है, वो ओरिजिनल है। ये JNU के केस में दिखाया उन्होंने। अब दादरी का केस ले लीजिए, दादरी में जो एक अखलाक नाम के एक शख्स थे वो मार दिए गए क्योंकि उनके घर के फ्रिज में कुछ मीट था जिसको कुछ लोगों ने कहा बीफ है और उनको मार दिया। इतनी हार्ड हिटिंग रिपोर्ट ऐसे लोगों के खिलाफ कि जो किसी के घर में घुस के
अगर उसके घर में बीफ हो भी खाने के लिए, तो इस मुल्क के कानून में आप किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। इस मुल्क का कानून आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के घर में जाके उसकी लिंचिंग कर दें कि वो बीफ खा रहा है अपने घर के अंदर। इसके खिलाफ हिंदुस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स ने, एक भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं था, उन लोगों ने भी जिन्होंने JNU के मामले में तमाम डॉक्टर्ड खबरें दिखाई, उन सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई। गुजरात रॉयट तो 2002 में हुए थे, NDTV आज तक कुछ बहुत बड़े लोगों के यहाँ बैन है, वो अभी भी NDTV को इंटरव्यू नहीं देते, पिछले चुनाव में उन्होंने नहीं दिया था, और बहुत सारे लोगों के यहाँ वो ये इंडियन एक्सप्रेस का इतना अच्छा रोल था उस टाइम पे, पूरी सीरीज़ उन्होंने दंगों के बारे में चलाई कि कैसे एक स्टेट ने उसमें रोल अदा किया दंगे कराने में, बहुत सारे लोग जो थे। अब दिल्ली रेप केस देखिए, ये 6 दिसंबर 2012 को दिल्ली के रेप केस हुआ, महिलाओं के ऊपर हुए अपराध के सिलसिले में ये हिंदुस्तान में मीडिया का सबसे बड़ा रोल दिल्ली में, जो निर्भया दामिनी जिसको नाम दिया गया जिस लड़की को, और ये मीडिया एक्टिविज्म का की सबसे बड़ी मिसाल थी कि वो बच्ची एक पोर्टर की बच्ची थी जिसकी खबरें इस मुल्क के 82,000 अखबारों और 450 न्यूज़ चैनलों ने बिल्कुल अपने घर की खबर की तरह दिखाई। और एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक उस वक्त हर अखबार ने कम से कम 9 स्टोरीज दिखाई। हिंदुस्तान के मालूम नहीं कितने टेलीविज़न चैनल्स हैं जिन टेलीविज़न चैनल्स ने ऐड को हटा करके वो खबरें दिखाई, जो लाखों करोड़ों रुपए के ऐड होते हैं, ऐड ब्रेक हटा करके वो खबरें दिखाई हिंदुस्तान में। ये पहला मीडिया का इतना बड़ा काम था जिसने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक निर्भया की मौत को एक पैन इंडिया रिवोल्यूशन बना दिया। ये पहला पैन इंडिया एजिटेशन था। आज़ादी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में कोई एजिटेशन ऐसा नहीं हुआ है जिसमें 3 पीढ़ियां सड़कों के ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लड़ रही हों रेप के कानून को बदलवाने के लिए, और रेप का कानून बदल दिया गया। वो लड़की जिस दिन उसकी डेथ हुई है सिंगापुर में, ये मीडिया ने वो आंदोलन क्रिएट किया सरकार के ऊपर कि एक पोर्टर की बेटी का इलाज कराने के लिए एयर एम्बुलेंस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सिंगापुर भेजा इलाज कराने के लिए, और जिस दिन उस लड़की की मौत हुई है उस दिन हिंदुस्तान के किसी न्यूज चैनल में उसके अलावा कोई खबर नहीं थी। UN सेक्रेटरी जनरल ने उसके लिए कॉन्डोलेंस मैसेज भेजी, दुनिया के 8 मुल्कों के राजदूतों ने कॉन्डोलेंस मैसेजेस भेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसके परिवार को। ये जो मूवमेंट क्रिएट किया था ये हिंदुस्तान के उसी टेलीविजन चैनलों ने क्रिएट किया था। उसके बाद कानून बदल गया, जस्टिस JS वर्मा कमीशन बनाया गया, और जस्टिस JS वर्मा कमीशन से ने राय मांगी लोगों से कि आप हमें राय दीजिए कि रेप को लेकर के कानून कैसे सख्त होने चाहिए। आप सोचिए कि जिस मुल्क में इतने इंडिफरेंट लोग रहते हैं, 80,000 लोगों ने JS वर्मा कमीशन को लिख के भेजा है कि वो किस तरह का कानून चाहते हैं औरतों की हिफाजत के लिए। हिंदुस्तान के 8 स्टेट्स ने अपने आप जो महिलाओं के प्रति अपराध है उनके कानून को अलग अलग तरह से बदला, 8 स्टेट्स ने उसको बदल दिया। ये इतना बड़ा मूवमेंट जो चलाया ये इसी न्यूज़ टेलीविजन चैनल ने चलाया है, उन लोगों ने भी जो कन्हैया के रोल पे कुछ डिवीजन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ब्लैक एंड वाइट जैसा नहीं है कि सब कुछ काला है या कब सब कुछ सफ़ेद है। अब देखिए जेसिका लाल मर्डर केस, उसका मिसाल हम आपको देना चाहते हैं। 30 अप्रैल 1999 को जेसिका लाल का मर्डर हो गया, आप लोग सब लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं उसके बारे में। अक्यूज कौन थे? मनु शर्मा थे जो विनोद शर्मा के बेटे हैं, और विकास यादव थे जो DP यादव MP रहे हैं उनके बेटे हैं। 7 साल के बाद 21 फरवरी 2006 को सारे लोग एक्विट हो गए, बरी हो गए, सारे लोग बाइज्जत बरी हो गए, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 22 फरवरी 2006 को एक हेडलाइन लगाई, नो वन किल्ड जेसिका, जिसके ऊपर बाद में एक फिल्म बनी है। NDTV ने 25 फरवरी 2006 को एक कैंपेन लॉन्च किया, फाइट फॉर जेसिका कैंपेन, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आप 6388 के ऊपर आप हमें SMS भेजिए कि आप चाहते हैं कि इस केस को रीओपन किया जाए। 2,00,000 लोगों का SMS लेकर के प्रणव रॉय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अब्दुल कलाम साहब थे, उनसे जाके मिले। आप अगर आप लोगों ने नो वन किल्ड जेसिका फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा, एक प्रणव रॉय
की तरह के एक शख्स हैं जो अब्दुल कलाम जैसे एक शख्स हैं उनको जाके वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो केस रीओपन हुआ और सारे लोगों का कन्विक्शन हुआ। एक दो नहीं लाखों ऐसे मामले हैं, एक दो नहीं लाखों ऐसे मामले हैं हिंदुस्तान में जो सिर्फ इसलिए वर्कआउट होते हैं, सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो टेलीविजन चैनल्स का उसमें उसको उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, पॉजिटिव रोल होता है। लेकिन अब वो न्यूज़ को ड्रामा क्यों बना रहे हैं? है क्या कि मार्केट फोर्सेस बहुत सारी चीज़ें तय करती हैं। जिस आदमी ने 500 करोड़ रुपए लगा करके एक न्यूज़ चैनल लॉन्च किया है उसको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है और एड मिलता है टीआरपी से कि आपकी टीआरपी कितनी आती है, और हार्ड न्यूज़ को टीआरपी नहीं मिलती। आप देखिए टीआरपी किस चीज़ की आती है? टीआरपी आती है सेक्स की, बिजार चीज़ों की, थ्रिल की, ड्रामा की, चौंकाने वाली चीज़ों की, क्राइम की। जो रिकंस्ट्रक्शन क्राइम का करते हैं हम, देख लीजिए इस शख्स को पहचान लीजिए, या उसकी भी टीआरपी आती है। जो तमाम यूट्यूब से लेकर के कि कोई एक कार आ रही है और एक छोटा सा बच्चा था उसके ऊपर से कार निकल गई और बच्चा लेटा हुआ है फिर भी वो जिंदा बच गया, जिसमें आपको अचंभा होता है तो आदमी रुक करके उसको देखता है कि ये क्या हो रहा है। कई न्यूज़ चैनल हैं वो आधे आधे घंटे के प्रोग्राम इसके दिखाते हैं। एक न्यूज़ चैनल है उसमें एक फिक्स है आफ्टरनून में वो प्रोग्राम दिखाना। टीआरपी किसकी आती है? दाती महाराज जो भविष्य बताते हैं, टैरो कार्ड रीडर, क्योंकि इंसान बहुत डरा हुआ है, खुद एतमादी नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, कर्म के ऊपर कोई भरोसा नहीं आज आदमी को कि हम दुनिया बदलेंगे, ये नहीं है। वो तो कह रहा है कि उसकी किस्मत किसी ने लिख दी है, तो वो डरा हुआ इंसान जो है वो देखता है कि आप फलां कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में यहाँ जाएं, दूध बरगद के पेड़ के नीचे रख दीजिए और काली बकरी दान करो, फिर आप फलां तारीख में गर्भ रक्षा के प्रति सावधान रहें तो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लड़की की शादी होगी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में तो इस्तखारा भी देखते ही नहीं, उससे आना लाइव वहाँ दिखाते हैं। तो ये डरा हुआ इंसान जो है, जब आदमी डरता है तो कहाँ जाता है? वो मौलाना के शरण में जाता है, नेता के शरण में जाता है। तो टीवी ने उसको शरण दी हुई है। वो डरा हुआ आदमी जो है वो देखता है कि मेरा भविष्य क्या है, क्योंकि उसको अपने ऊपर तो कोई यकीन है नहीं कि हम अपना भविष्य बनाएंगे। तो वो क्या, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है भविष्य का। आप देखिए वास्तु जो हैं तमाम दिल्ली में, लखनऊ में और शायद हैदराबाद में होंगे, पतली पतली गलियों में इतने व्यापारी लोग रहते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं और किसी का घर वास्तु से नहीं बना है। इस दुनिया में हर पांचवा आदमी मुसलमान है, क्योंकि 23% आबादी मुसलमानों की है। उनके घर में कोई कुंडली नहीं मिलाई जाती है, फिर भी वो जिंदा हैं, वो मरते नहीं हैं। ऐसा नहीं हो रहा शादी के बाद मर गए, उनके यहाँ पता ही नहीं कौन मंगली है कौन मंगला है। तो ये डिबेटेबल है, अब किसी का यकीन हो सकता है उसके ऊपर, लेकिन एक बड़े समाज का उसके ऊपर यकीन है। इसलिए जो दाती महाराज एक बाबा आते हैं जिनकी काली और सफ़ेद दाढ़ी है, 70% टीआरपी आती है उसकी। आप बुंदेलखंड में किसानों के सुसाइड दिखाएंगे तो 1%, 2%, 3% आदमी देखता है, लेकिन वो डरा हुआ जो हुजूम है वो उसको देखता है, उसकी 70% टीआरपी आती है। ऐसे ऐसे लोग जो हम उनको जानते हैं, पहले पैदल लखनऊ में घूमते थे, एक न्यूज़ चैनल में हमारे दोस्त हैं, उनको ले गए, उनको ब्रोकेट की बड़ी सी चोगा पहनाया, उनको बड़े बड़े सब माला वाला पहना दिए, हाथ में ही पहना दिया, तिलक लगा दिया, उनको अजीब जादूगर जैसी शक्ल बना दी। हिंदुस्तान में ऐसे पंडित आपने देखे जैसे टीवी में आते हैं भविष्य बताने के लिए? वो कहीं नहीं मिलते, वो सिर्फ टीवी चैनल में ऐसी हुलिया वाले मिलते हैं। वो उनको अट्रैक्टिव बनाते हैं कि आदमी बिल्कुल आतंकित होकर के देखे कि ये बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इसने ब्रोकेट की भी ये पहन रखी है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। उसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा आती है। सास बहू और साजिश की टीआरपी सबसे ज़्यादा आती है। सास बहू और बेटियाँ की ये सीरियल है, उसमें ड्रामा होता है। वो दोपहर के टाइम पे आफ्टरनून में दिखाया जाता है, जब सारी औरतें खाना वाना बना के फारिग हो जाती हैं तो वो बैठ के सास बहू साजिश न्यूज़ चैनल में भी लगा के देखती है, तो उसे न्यूज़ चैनल की टीआरपी आती है। क्राइम को आप जो ग्लोरीफाई करते हैं, जब आप उसका रिकंस्ट्रक्शन कर करके दिखाते हैं तो उसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा आती है, उसको लोग देखते हैं। सेक्स से रिलेटेड खबरें जो हैं उसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा आती है। कुछ न्यूज़ चैनल हैं, अभी कनाडा के एक न्यूज़ चैनल में कनाडा के किसी शहर के मेयर का इंटरव्यू हो रहा था, तो उनकी एंकर ने कुछ जिद्दत पैदा करने के लिए अपने कपड़े उतार दिए मेयर का इंटरव्यू करते हुए, उनकी टीआरपी बहुत आई। एक आध न्यूज़ चैनल है उसमें जो महिला एंकर हैं वो न्यूज़ कवर करते हुए कपड़े उतार देती हैं, ये ऐसा होता है तमाम जगह दुनिया में, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, उनकी टीआरपी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और देखिए जो टैबलॉयड जर्नलिज्म है, इसको हम टैबलॉयड जर्नलिज्म कहते हैं, चाहे वो प्रिंट का टैबलॉयड जर्नलिज्म हो, चाहे टेलीविजन का टैबलॉयड जर्नलिज्म हो,
वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये ह्यूमन नेचर है इस तरह की चीजों को देखने का। 1861 के आसपास दुनिया का सबसे पहला टैबलॉयड अखबार लॉन्च हुआ था। आप देखिए कि इंग्लैंड में जो लंदन टाइम्स है, जो 1861 या 1867 हम तारीख बोल रहे हैं के आसपास लॉन्च हुआ, जो लंदन का सबसे पुराना सबसे हार्डकोर न्यूज का पेपर है द टाइम्स लंदन का, उसका सर्कुलेशन 3,94,000 रोजाना है। उसको 3,94,000 लोग रोजाना पढ़ते हैं। 1960 के आसपास पेपर लॉन्च हुआ रूपर्ट मर्डॉक जिसको ओन करते हैं अब सन, अगर आप लंदन गए होंगे आपने पढ़ा होगा सन जो टैबलॉयड है वहां पे, सन रोजाना बिकता है 24 लाख कॉपी। दैनिक जागरण वालों को कहना है कि एक अखबार को 10 आदमी पढ़ते हैं। लंदन जैसी पॉपुलेशन जो 6 करोड़ के आसपास, 6.25 करोड़ के आसपास है, अगर उस पेपर को 10 आदमी पढ़ें तो आप सोचिए कि कितने लोग वहाँ लंदन जैसी सोशल सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक टैबलॉयड न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो लंदन जैसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी एक टैबलॉयड न्यूज़पेपर और एक हार्डकोर अखबार के बीच में 18 लाख कॉपीज पर डे का गैप है। 18 लाख कॉपीज लंदन जैसी सिविलाइज सोसाइटी में 18 लाख कॉपीज का गैप है एक टैबलॉयड न्यूज़पेपर में और एक एक जो हार्डकोर न्यूज़पेपर है। इसी तरह टेलीविजन में है, अगर आप यूएस जाएं वहां पे फॉक्स न्यूज देखिए तो फॉक्स न्यूज की जो टीआरपी है वो सीएनएन और बीबीसी की टीआरपी से कई गुना ज्यादा आती है। फॉक्स न्यूज बहुत ज्यादा देखा जाता है क्योंकि वो टेलीविजन का टैबलॉयड वर्जन है। उसमें एक शो आता है द ओ रैली फैक्टर, उसके एंकर हैं बिल ओ रैली। अगर आप उनका शो देखेंगे तो वो चिल्लाते हैं दिस इज अनडाइल्यूटेड बुलशिट, यू आर ए ब्लडी, दिस इज ब्लडी शिट, यू आर ए ब्लडी लायर, जोर जोर से चिल्लाते हैं। हिंदुस्तान के कुछ चैनल्स ने उनकी कॉपी की है। वो बिल ओ रैली के इंडियन वर्जन है, वो बिल ओ रैली के भारतीय संस्करण है, ये ओरिजिनैलिटी नहीं है, क्योंकि चीखने की टीआरपी सबसे ज्यादा आती है। अगर आप सड़क पे चौराहे पे जाएं और कोई चीख रहा हो जोर जोर से तो आप अचानक गाकार रोक के खिड़की में से मुंह निकाल के देखेंगे कौन चीख रहा है, क्या बात है। आप देखते हैं कहीं एक जगह चार लोग सिर झुका के खड़े हो जाएं तो 100, 200, 500 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, लोग आके देखने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। तो चीखने की टीआरपी बहुत आती है। तो वो चाहे जो तब शुरू किया गया हो, देख लीजिए इस शख्स को वो जो चीख चीख के एंकरिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग आप एंकर देखिए अब वो क्या करने लगे हैं, उनको लगता है चीखने से भी वो गर्मी नहीं आ रही स्क्रीन पे, तो वो फ्लेम्स निकालते हैं, एनिमेटेड फ्लेम्स टीवी के चैनल पे से निकलती रहती, आग निकाल रहे हैं, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर आए हैं, किसी फौजी का हिंदुस्तान के सिर कलम कर दिया गया। अब वहाँ एक एंकर है वो चिल्ला रहे हैं कि उनके यहाँ एक हिंदुस्तानी कोई भरत वर्मा, कोई ब्रिगेडियर बख्शी मारूफ रजा कोई बैठे हुए हैं वहां पे। आपको पता है कि ये जितने डिफेंस एनालिस्ट हैं ये किसी हथियार बेचने वाली कंपनियों के ये एजेंट हैं, होते हैं, ये लाइजनिंग का काम करते हैं। ये टेलीविजन चैनल्स में बैठ के एक युद्ध का माहौल क्रिएट करते हैं ताकि वो मुल्क हथियार खरीदे, ये भी इसके पीछे एक बात है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप पता कर लीजिए कि जितने टेलीविजन चैनल्स पे जितने डिफेंस एनालिस्ट आते हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहते, उनमें कईयों को हम भी जानते हैं, लेकिन वो सारे किसी ना किसी दुनिया की हथियार बेचने वाली कंपनीज के एजेंट हैं हिंदुस्तान में, जो एक युद्धोन्माद जिसको हिंदी में कहते हैं वो क्रिएट करते हैं कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि तो एक एक किसी सिपाही का किसी ने पाकिस्तानी ने सिर काट दिया, अब वो यहाँ के कोई डिफेंस एनालिस्ट चिल्ला रहे हैं कि हम उनके एक का सिर काटा है, हम 10 का सिर कलम कर देंगे। एंकर इतनी गर्मी में है लगता है कि अभी सरहद। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो बेचारा गाली हम उसको दिलवा रहे हैं, उसको गाली सुनने की भी फीस मिलती है, उसका दुबई में अकाउंट है, उसको पैसा ट्रांसफर हो जाता है, $500 हम देते हैं पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को गाली सुनने के लिए। तो हम एक मुल्क में माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि आदमी बैठ के देखता है कि अरे क्या बहादुर लोग हैं यार, कितने देशभक्त हैं, देखो कह रहे एक सिर कलम कर देंगे, एंकर लग रहा अभी कूद जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करके मार देगा उनको जाकर के। तो ये चीखने की टीआरपी आती है, इसलिए ये बिल ओ रैली का जो शो है द ओ रैली फैक्टर, उसकी वजह से इसको किया जाता है। तो ये वजह है कि जो टीआरपी है वो इन चीजों की आती है।
तो इसकी वजह से न्यूज़ चैनल ये सब करते हैं, हम आपको ये बताना चाहते थे। टीआरपी का भी ट्रेंड बदलता रहता है, और अफसोस की बात यह है कि आप लोग वो खबरें अच्छी नहीं देखते जिसकी वजह से अच्छे चैनल्स की टीआरपी आए। हमारे एक दोस्त हैं, हमें एक नेशनल अवार्ड मिल रहा था दिल्ली में, तो वो उनको बेस्ट करंट अफेयर शो का अवार्ड मिला। तो अवार्ड लेने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि कमाल तुम्हें पता है कि मेरा, उनको जूरीज का अवार्ड था, पब्लिक का नहीं, जूरीज ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिमाग बैठे और उनका शो देखा, हिंदुस्तान के तमाम शोज देखे और उनको बेस्ट करंट अफेयर शो का अवार्ड दिया। तो उन्होंने हमसे कहा कि कमाल तुम्हें पता है कि मेरा शो सबसे ज्यादा कब देखा गया? तो हमने कहा कब देखा गया? तो उन्होंने, हमने पूरा टीआरपी ट्रेंड जो है मॉनिटर होता है। पब्लिक सोचती है कि ये न्यूज चैनल वाले अनपढ़ टाइप लोग हैं, ये अनशंड दिखा रहे हैं, अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो अच्छी चीज दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, जिसने 500 करोड़ रुपए लगा करके एक न्यूज चैनल लॉन्च किया है वो हिंदुस्तान के बेस्ट ब्रेन्स को हायर करता है, उसको पता है उसको क्या दिखाना, इसीलिए वो दिखा रहा है, वो जानबूझ के दिखा रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है वो अनपढ़ है, वो मार्केट के लिए दिखा रहा है। तो टीआरपी एक एक सेकेंड मॉनिटर होती है, ये मॉनिटर होता है कि जब प्रणय रॉय ने बोला तो दुनिया में कितने लोगों ने देखा, जब रजत शर्मा बोल रहे थे तो दुनिया में कितने लोगों ने देखा, जब डी राजा बोल रहे थे तो कौन देख रहा था, जब संबित पात्रा बोल रहा था तो कितने लोगों ने देखा। एक एक सेकंड की मॉनिटरिंग होती है, आप इसको याद रखिए, आपको गलत नहीं बता रहे, एक एक सेकंड मॉनिटर होता है हर शो का। सास बहू और साजिश जैसा एक कोई प्रोग्राम था जो सीरियल्स के ऊपर था, एक बार एनडीटीवी ने कहा कि हम सीरियल, कुछ लोगों की ये राय आई कि ये सीरियल भी खबरें हैं, सीरियल के बारे में भी खबर देना, तो हम ड्रामेटाइज करके नहीं दिखाएंगे लेकिन हम एक न्यूज़ बनाएंगे। उन्होंने 5 बजे एक स्लॉट रखा सीरियल के ऊपर एक न्यूज़ दिखाने का, 3 बजे पहले उसको रखा, ढाई से तीन के बीच में, तो उसकी टीआरपी काफ़ी आई। उसके बाद उसको 5 बजे कर दिया गया, उसकी टीआरपी गिर गई क्योंकि 5 बजे फिर औरतें बिजी हो गई अपने दूसरे कामों में जिनसे हमको टीआरपी लेनी थी, जो घरेलू औरतों से। तो एक एक सेकंड, आपको पता है टीआरपी कैसे आती है, सबसे आपका पसंदीदा कोई अगर एंटरटेनमेंट चैनल है, मान लीजिए आप सोनी बहुत देखा जाता है, बालिका वधू सीरियल मान लीजिए किसी प्यारा कलर्स पे, तो न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं कि कलर्स के नीचे अपना चैनल लगवा देते हैं, क्योंकि आदमी कलर्स में जैसे ब्रेक होता है वैसे नीचे आता है तो उसको देखने लगता है, 1.5 मिनट देखा टीआरपी काउंट हो गए, ऐसे भी टीआरपी आती है। तो एक एक सेकंड मॉनिटर होता है। तो हमारे वो जो दोस्त थे जिनको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का, उन्होंने हमसे कहा कि कमाल तुम्हें पता है कि हमारे प्रोग्राम की सबसे ज्यादा टीआरपी कब आई? तो हमने कहा कब आई? उन्होंने कहा एड ब्रेक में। ये कितने अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के बेस्ट दिमाग बैठ के जिस प्रोग्राम को बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम ऑफ इंडिया का टाइटल देते हैं, अवार्ड देते हैं नेशनल, वो प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान की जनता सबसे ज्यादा एड ब्रेक में तब देखती है जब लॉन्जरीज बेची जा रही होती हैं, जब कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा होता है, जब कोई खूबसूरत मॉडल अपने जिस्म का मुजाहरा कर रही होती है, उस प्रोग्राम को हिंदुस्तान की आवाम तब देखती है। और उसके बाद ब्रिगेडियर साहब गाली देते हैं हमको वहां पे खड़े होकर के एक प्रोग्राम में कि राखी ने मिक्का सावंत को किस किस तरह से किया। तो है क्या कि जो हार्ड न्यूज है उसकी टीआरपी, एक न्यूज चैनल है आग निकालते हैं जो, उनके यहाँ क्या होता है कि वो अभी भी उनके यहाँ कहते हैं कि गुड लुकिंग लोग लाओ पैनल में, वो कहते हैं डी राजा को मत लाओ, डी राजा की टीआरपी नहीं आती, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इकोनॉमिस्ट भी आना है तो कोई खूबसूरत इकोनॉमिस्ट लाओ कि जिसकी शक्ल लोग देखें। हमारे चैनल में जब वो काम करते थे तो हमारी बॉम्बे की जो ब्यूरो चीफ थी बिम्बेट्स कहते हैं, जो बिना जिसके ऐसी लड़की खूबसूरत जिसके दिमाग ना हो, तो वो बॉम्बे की ब्यूरो चीफ ने एक बार शिकायत की, हमारे यहाँ वो शो करते थे तो प्रणय रॉय राधिका रॉय को मीटिंग हो रही थी, उसने उनका लिहाज किया, जब वो चले गए मीटिंग से तो राजदीप और बहुत सारे लोग थे बरखास्त तमाम लोग, तो वो कहने लगी कि ये जो है मुझे रोज परेशान करता है, मुझे फ़ोन करता है कि बिम्बेट्स ले आओ चैनल में दिखाने के लिए। वो अभी अपने चैनल में कहते हैं कि डी राजा की टीआरपी नहीं आती, इसको गुड लुकिंग आदमी ले आओ। तो वैसे इंसानी फितरत है, आप खूबसूरत देखने वाले को बार बार देखते हैं घूम के, तो वो जो है अच्छा। दूसरा क्या है कि एक अर्बन रूरल डिवाइड बहुत बड़ा है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादातर अर्बन एरिया का है।
अब टीआरपी सेंटर्स जो हैं वो बी क्लास सिटीज में बनने लगे हैं, नहीं तो वो सारे बड़े शहरों में होते थे। तो वो न्यूज़ जो है वो बड़े शहरों ऐसी सेंट्रिक होती हैं कि जिसमें वहाँ का कंज्यूमर उसको देखे। हमें याद है कि हमीरपुर एक जगह है यूपी में, हिमाचल में भी हमीरपुर है, वहाँ पे हम कुछ शूट कर रहे थे तो एक हमारे स्ट्रिंगर ने बताया कि आज तक के स्ट्रिंगर के लिए कि सर ये रेप तो हुआ था झोपड़ी में, लेकिन ये पता नहीं, ये उस ज़माने की बात है जब रेप के ये सब दिखाते थे, अब तो हो गया आप घर भी नहीं दिखा सकते, जगह भी नहीं बता सकते, उसके माँ बाप की भी तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसकी तो छोड़ दीजिए, आप जगह भी नहीं बता सकते कहाँ रहता है। तब उस वक्त ये सब बंदिश नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि वो रेप तो हुआ था झोपड़ी में, लेकिन वो बहुत बिल्डिंग को किसी की शूट कर रहा था तरह तरह से। तो हमने पूछा कि क्यों, तो वो कहने लगे कि मैंने उसे पूछा था, वो कह रहा है कि हम इसको अपमार्केट बना रहे हैं, क्योंकि गरीब औरत के साथ रेप हुआ ये बिकेगा नहीं, तो हम इसको अपमार्केट कर रहे हैं ताकि ये न्यूज़ बिक जाए। तो ये अर्बन रूरल डिवाइड है जो टेलीविजन चैनल के ऊपर इल्ज़ाम है। आप देखिए 15 अगस्त को जो पोंगल होता है, ये सॉरी 15 जनवरी को ये साउथ का एक त्यौहार होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो उसमें बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं पी साईनाथ, उन्होंने एक ट्वीट किया कि फार्मर कमिट सुसाइड, अडानी गेट्स द लोन। ये उस विडंबना को जाहिर करता है जो हम अर्बन और रूरल डिवाइड की बात करते हैं। 83 करोड़ लोग इस मुल्क में ऐसे हैं जो गांवों में रहते हैं, 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन गांवों में रहते हैं। आप देखिए जो पिछले साल अगस्त में लैक्मे फैशन वीक हुआ मुंबई में, उस लैक्मे फैशन वीक को हमने पता किया कवर करने के लिए हिंदुस्तान से 512 जर्नलिस्ट गए, 512 लोगों ने लैक्मे फैशन वीक कवर किया। एक डेटा है सरकारी जिसके मुताबिक 1995 से 2014 के बीच में 3 लाख किसानों ने खुदकुशी की। अगर इन सारी खुदकुशीज को जोड़ लिया जाए तो कंपैरेटिवली टीवी में उतनी भी इसकी कवरेज नहीं हुई, उतना स्पेस नहीं मिला जितना शीना बोरा मर्डर केस को मिला। इस मुल्क के 3 लाख किसानों ने 1995 से 2014 के बीच में खुदकुशी की है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, जो पब्लिक के सोर्सेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो किसान की खुदकुशी जो है वो न्यूज़ नहीं बन पाती है क्योंकि लोग उसको देखते नहीं। हम लोगों ने उसको बहुत दिखाया, लेकिन जब हम किसान की खुदकुशी दिखाते हैं तो कोई राखी मिक्का का किस करना देख रहा होता है, कोई लैक्मे इंडिया फैशन वीक देख रहा होता है, तो वो किसान की खुदकुशी जो है हिंदुस्तान में बड़ी खबर नहीं बन पाती। और चूंकि लोग देखते नहीं तो बहुत सारे टीवी चैनल्स उसको दिखाते नहीं। बुंदेलखंड में बहुत ज़बरदस्त कहत पड़ा था 4-5 साल पहले, हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया। जब हम वो बनाने के लिए जा रहे थे उसी टाइम वहाँ पे कांग्रेस का एक कन्वेंशन हो रहा था, कुछ चिंतन शिविर टाइप नाम था। दिल्ली से हमारे एक दोस्त जो एक बहुत तेज़ न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो हमने कहा हाँ हम भी जाएंगे, हमें ड्राउट के ऊपर रिपोर्ट करनी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं जा रहा था तो सबसे पहले मेरे चैनल हेड ने कहा है कि सिर्फ कांग्रेस कवर करोगे, भूख के ऊपर कोई खबर नहीं आनी चाहिए, ये अलमिया है, भूख के ऊपर खबर नहीं आनी चाहिए, आप भूख के ऊपर खबर देखिए ताकि भूख के ऊपर खबर दिखाने वाले भूख के ऊपर खबर दिखा सकें। तो उन्होंने कहा भूख के ऊपर खबर नहीं आनी चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमको अवार्ड दिया, अशोका हॉल में जहाँ पद्मा अवार्ड मिलते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री जब हमने बनाई तो दिल्ली से एक आदमी फूट फूट के रो रहे थे फोन के ऊपर, वो हमसे कह रहे थे कि मैं पैसा देना चाहता हूँ। हमारे ऑफिस के रिसेप्शन से एक फ़ोन आया कि कोई साहब आए हैं, इनसे बात कर लीजिए, आपने कोई खबर बनाई उसके बारे में बात करना चाहते हैं। हमने उनको कहा फोन लाइन पे ले आइए। उन्होंने कहा मैं फला संस्था में काम करता हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए का फंड है, मैं देना चाहता हूँ किसानों को, आप बांटना चाहता हूँ, आप मुझे दे दीजिए कि मैं उन पता बताइए नाम बताइए। हमने वहाँ लेखपाल से उनके सबके नाम पते सब कुछ उनको दिलवाए ताकि वो जा करके वो गरीब लोगों को पैसा दे पाए। अभी बुंदेलखंड में हम लोग कवर कर रहे थे तो इतना इनजस्टिस है, अभी हम वीसी साहब को बता रहे थे कि वहाँ पे जितनी दूर आपके हॉल का कोना है 3 लड़कियाँ आ रही थीं और वो साड़ी पहने हुए थीं कॉटन की। हम लोग यहाँ खड़े थे, हमारे साथ एक
एक पंडित जी थे जो गांव के पूर्व प्रधान थे, तिलक विलक लगाए हुए। हमने देखा कि वो लड़कियां वहां से आ रही हैं और अचानक उन्होंने अपनी अपनी चप्पलें उतारी और उसको सिर के ऊपर रख लिया अपने और सिर झुका के हमारे बगल से पास से चली गई। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये कोई लोग चप्पल सिर के ऊपर कैसे रख सकते हैं। तो हमने एक लड़का था यंग, उससे हमने पूछा कि इन लड़कियों ने चप्पल सिर पे क्यों रख ली अपने, क्योंकि सिर का तो बड़ा एहतराम है हर सोसाइटी में। अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि हमारे दोस्त हैं शायर खुशबीर सिंह शाद साहब, उनका एक शेर है कि ये तुम्हारा ताज नहीं हमारी पगड़ी है, ये सिर के साथ जाएगी, ये सिर का हिस्सा है। तो सिख कौम से लेके मुसलमानों तक में सिर का बड़ा एहतराम है, सिर पे चप्पल कोई रख के कैसे जा रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये नीच कौम है और ये पंडित जी हैं तो यहाँ अलाउड नहीं है कि वो चप्पल पहन के जा सकें। तो वो आज 2016 में, ये पिछले महीने की बात है, वो सिर पे चप्पल रख के जाती हैं। हिंदुस्तान के गांवों में इस तरह की जो खबरें हम, हो सकता है ये तो लोग देख लें, ये चौंकाने वाली खबर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन तमाम जो भूत जो भूख की खबरें होती हैं, ड्राउट की खबरें होती हैं, वो पब्लिक देखती नहीं, इसलिए टेलीविजन चैनल नहीं दिखाते। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको हम बताएं, एक्चुअली ये सिर्फ न्यूज़ चैनल की बात नहीं है, ये एंटरटेनमेंट चैनल्स के साथ भी है। एकता कपूर ने एक सीरियल बनाया था महाभारत 2007-08 में, वो वाला महाभारत नहीं, पुराना वाला जो आता था, ये 2007-08 में एक बनाया महाभारत। उस महाभारत में सारे देवी देवताओं के जो कॉस्ट्यूम है वो मनीष मल्होत्रा, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिजाइनर्स में से एक हैं, उनसे डिजाइन कराया था। उनका कहना था ये जो पुराने वाले हैं इससे शायद अच्छी TRP आ जाए अगर हम डिजाइनर वस्त्र भगवान को पहना देंगे। तो जितने रिलीजियस न्यूज चैनल हैं, हर हफ्ते जब TRP आती है बुधवार को, तो ये देखा जाता है कि किस भगवान की TRP ज्यादा आ रही है, ताकि उस भगवान को अगले हफ्ते हम ज्यादा दिखाएं। ये भगवान इसलिए नहीं दिखाए जाते क्योंकि भगवान से किसी चैनल को प्रेम है, इसलिए दिखाता है क्योंकि वो कमर्शियल चीज है, वो भगवान TRP दे रहा है। मैं माफी चाहता हूं कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी पिछले दिनों काली जी की TRP बहुत आ रही थी लेकिन रामचंद्र जी की कम आ रही थी। हमारा रामचंद्र जी से बहुत फैसिनेशन है क्योंकि हम अवध में रहते हैं, हम रामलीला देखते हुए पैदा हुए हैं, तो हमारे लिए वो दूसरे तरह के कैरेक्टर हैं, लेकिन काली जी की TRP बहुत आती है, शनि महाराज की भी TRP बहुत आती है, रामचंद्र जी की कम आती है। तो ये इल्ज़ाम सिर्फ हमारे ऊपर नहीं है, ये जो सीरियल हैं, जो धार्मिक चैनल भी भगवान को दिखाते हैं कि किस भगवान की TRP ज़्यादा आ रही है। एकता कपूर ने वो बनाया था जोधा अकबर सीरियल, पिछले दिनों आ रहा था, अभी शायद बंद हो गया होगा, हम एंटरटेनमेंट चैनल कम देखते हैं। तो उसके स्क्रिप्ट राइटर हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखने वाले हमारे दोस्त हैं, फिल्मों में भी और सीरियल्स में भी। तो वो पिछले दिनों लखनऊ एक शादी में आए थे, तो हमें बताने लगे, कहने लगे कमाल ऐसा हुआ कि वो तरह तरह की कहानी हम रोज़ दिखाते थे अकबर के बारे में, तो एक दिन मुझे एकता कपूर ने बुलाया और कहा कि सुनो ऐसा करो कि ये एक एपिसोड ऐसे बनाओ, ये कहानी बनाओ कि जोधा बाई को जिन ने अगवा कर लिया और अकबर अपनी फौज लेके गए जिन से लड़ने के लिए, और जिन और अकबर की जंग दिखाना है, और उस जंग में अकबर आजम फतेह हासिल की उन्होंने और जिन से वो जोधा बाई को छुड़ा के घोड़े पे लेके वापस लौटे हैं, ये एक जरा विजुअलाइज करो। तो वो जो हमारे दोस्त हैं काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कहने लगे, हमने कहा कि मैडम ये तो दुनिया के किसी इतिहास में जो अकबर का कितना बड़ा भी दुश्मन हो उसने ये नहीं लिखा है कहीं कि जोधा बाई को जिन ने अगवा कर लिया था, फिर अकबर गए थे लड़ने के लिए, लोग हमें जूते मारेंगे, मैडम मैं मुंह दिखाऊंगा कैसे लोगों को। तो उन्होंने कहा कि तुम तब थे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं उस टाइम हम तो नहीं थे, उन्होंने देखने वाले थे, उन्होंने देखने वाले भी नहीं थे उस टाइम, तो कह रहे जो मैं बता रही हूँ यही हिस्ट्री है, यही लिखो तुम। तो उन्होंने ये एपिसोड बना दिया और आपके लिए ये बहुत अफसोसनाक, बहुत अफसोस का मुकाम है कि जोधा अकबर सीरियल में सबसे ज़्यादा TRP उस एपिसोड की आई जिसमें अकबर आजम जो है जोधा बाई को जिन अगवा कर लेता है और वो जिन से जाके फतेह हासिल करके उसको वापस ले आते हैं। एक सीरियल आता है रज़िया सुल्तान आता था, रज़िया, ये रज़िया के सुल्तान बनने के पहले की कहानी थी, मेरे ख्याल से 1225-1230 के आसपास का कोई वक्त था। तो उसमें मालूम नहीं आप लोगों ने अगर देखा हो तो शायद आपने देखा हो, उसमें रज़िया के दोस्त उनसे शर्त लगाते हैं कि तुम शेर का बाल मूंछ का नोच के ले आओ तो हम जाने कि तुम इतनी बहादुर हो। तो रज़िया जाती हैं साहब, एक बहुत बड़ा हॉल जैसा है, गुफा जैसी है, बहुत लंबी पहाड़ के अंदर लग रहा है हॉल जैसी, और उसमें एक जंगला है
बंद होता है, बटन से बंद होता, खुलता है वो, और उसके अंदर शेर है। तो वो रजिया जाती है उसकी मूंछ का बाल नोचने के लिए। तो वो यंग सी लड़की है बहुत, वो जाती हैं दौड़ती हुई, उसका बाल नोच लेती हैं, और बाल क्लोजअप में दिखाया जाता है कि मूंछ नोच लिया, और शेर के क्लोजअप्स आते हैं कि वो कैसे बिल्कुल भन्नाया हुआ जब रजिया सुल्तान ने मूंछ के बाल नोचे। और उसके बाद बाल ले करके वो दौड़ रही हैं और शेर उनको दौड़ा रहा, जाहिर सी बात है शेर का बाल नोच लेंगे मूंछ का तो दौड़ाएगा ही। पूरा दो एपिसोड सिर्फ स्लो मोशन में रजिया के भागने और शेर के दौड़ाने के ऊपर है। रजिया भाग रही है मूंछ का बाल लिए हुए हाथ में, शेर दौड़ा रहा है, और हम लोग बिल्कुल कुर्सी की एज पे, बेड की एज पे से बैठे देख रहे हैं कि अब खाया तब खाया, और वो दौड़ती जा रही हैं। और वो जब गुफा से बाहर निकलेंगी तो एक जंगला है बड़ा सा, पिंजड़े में जैसा ऊपर से बंद होता है ना सलाख लगा हुआ, वो ऐसे गिरेगा ऊपर से तब गुफा बंद होगी। तो अब वो अगर बाहर निकल जाएंगी बिना उसको बंद किए, और वो बंद होता है बटन से, और जो बटन है वो काफ़ी दूर है, जंगला उस दीवार के पास है, बटन यहाँ पे लगा हुआ है, वो यहाँ दबाएंगी बटन तो वो जंगला बंद हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ बटन दबाएंगी जंगला बंद हो गया तो शेर उनको खा जाएगा। इतनी जल्दी उनको बटन दबाना है और जंगला जब तक बंद हो तब तक उस जंगले में से भाग जाना है। तो वो स्लो मोशन में दिखाते हैं कि कैसे जंगला धीरे 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 बंद हो रहा है, और रजिया बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रही है, और हिंदुस्तान का हर आदमी हर औरत बैठा हुआ देख रहा है कि ये कहीं बंद ना हो जाए। और जब जंगला एक फिट बचता है, 6 इंच बचता होगा, 8 इंच, तब दिखाते हैं कि रजिया जमीन में डाइव मारती हैं, और 20-25 फिट डाइव मार के वो जंगले से बाहर हो जाती हैं। वो एपिसोड हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखा गया रजिया सुल्तान का। उसकी जबान भी ये थी कि वो कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ कि तुम मूंछ का बाल लाओगी तो मैं तुमको ये करूंगा, तुम तो इतनी बहादुर है वो हो। तो रजिया कहती है मुझे चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। हमें नहीं लगता कि 1225 में अल्तमश की बेटी ये जबान बोलती होगी कि मुझे चने की झाड़ के ऊपर मत चढ़ाओ। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ों की टीआरपी आती है। एक मोहे रंग दे एक सीरियल आता था, वो बहुत क्रांतिकारी लड़की का सीरियल था, बड़ी रिवोल्यूशनरी लड़की थी, बहुत प्रोग्रेसिव, पढ़ी लिखी, हिंदुस्तान की जंग के लिए लड़ाई लड़ रही थी। अब वो जो सीरियल के राइटर थे वो हमसे कहने लगे कि मैंने बहुत पढ़ाई की उसके लिए, बहुत तैयारी की, उनको 40,000 रुपया एक्चुअली मिलता है एक सीरियल का लिखने का, तो अगर वो नहीं लिखेंगे तो उनके जैसे बहुत सारे घूम रहे हैं लिखने के लिए, वो निकाल दिए जाएंगे, कोई और लिखने लगेगा। तो बेचारे बहुत पढ़े लिखे हमारे जो दोस्त लोग हैं जो लखनऊ के बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों से कॉन्वेंट वॉन्वेंट से पढ़े हुए थे, ये सब शौक था लिखने पढ़ने का, चले गए, तो वो 40,000 रुपये के लिए काम करते हैं, सब अनशंट लिखते हैं। तो वो कहने लगे कि वो सीरियल की टीआरपी नहीं आ रही थी, इतना बढ़िया हम लिख रहे थे हिस्ट्री लेकिन टीआरपी नहीं आ रही थी। तो कहने लगे कि एक दिन डायरेक्टर ने हमें बुलाया, कहा कि तुम ऐसा करो राहिल कि इस लड़की की शादी एक बुढ़े से करा दो जो क्रांतिकारी, और उसके बाद उससे कहना कि बुढ़ा इसके ऊपर जुल्म करेगा, और वो कहेगा कि मेरे जूते साफ करो, फिर वो अपने दुपट्टे से जूते साफ करेगी, फिर वो उसके कूड़े से पिटाई करेगा। तो वो बेचारे 40,000 की लालच में उन्होंने वो एपिसोड लिख दिया कि वो जो क्रांतिकारी लड़की थी वो उनके जूते साफ करने लगी, फिर वो उसको पीटने लगे। अब औरतें घर में बैठ के रो रही हैं कि देखो इतनी बड़ी इनकलाबी लड़की जो है बुढ़े से कैसे बिचारी की शादी कर दी और उसका कैसे जूते साफ करिए, सबके आँखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो सीरियल उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिट हो गया। देखिए है क्या, हर चीज मार्केट फोर्सेस तय करती हैं। एक जियां फ्रैंकोआ रिवेल नाम के एक राइटर हैं जिन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी जो अमेरिका में छपी, उस किताब का नाम था विदाउट मार्क्स एंड जीसस द न्यू अमेरिकन रिवॉल्यूशन हैज बिगन। ये बहुत मशहूर किताब हुई जो 1972 में ये किताब छपी थी, विदाउट मार्क्स एंड जीसस द न्यू अमेरिकन रिवॉल्यूशन हैज बिगन। वो कह रहे हैं कि दुनिया में दो सबसे बड़े इनकलाब, अगर मोहम्मद साहब को छोड़ दें तो दो सबसे बड़ा इनकलाब लाने वाले मार्क्स और जीसस थे। जीसस क्राइस्ट एक ऐसा मजहब ले आए जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, सबसे ज्यादा लोग ईसाई हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उस मजहब को मानते हैं। और मार्क्स एक ऐसा रिवोल्यूशन ले आए जिसने दुनिया को जो कम्युनिज्म की एक इतनी बड़ी फिलॉसफी दी पॉलिटिक्स से लेके फाइनेंस तक में। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि
अमेरिका में एक 1972 में वो रेवल बता रहे हैं कि एक नया रिवॉल्यूशन यूएस में शुरू हुआ है, जो रिवॉल्यूशन ना तो जीसस लाए हैं और जो ना मार्क्स लाया है। ये रिवॉल्यूशन किसका है? ये रिवॉल्यूशन मार्केट का है, ये रिवॉल्यूशन मार्केट का है, जिसमें वो बता रहे हैं कि अब मार्केट तय कर रही है कि तुम क्या पहनोगे, तुम क्या खाओगे, कौन सा ब्रांड पहनोगे, कौन से ब्रांड का खाना खाओगे, टेलीविजन में क्या देखोगे और टेलीविजन में क्या दिखाओगे। तो आज मार्केट तय करती है कि वो टेलीविजन में क्या देखेगा और टेलीविजन में क्या दिखाया जाएगा। ग्रुप एम का डेटा, हम बहुत जल्दी में थे, ऐसे उठ के आ गए, वक्त नहीं मिला नहीं, अगर हम आपको लाते तो हम बताते कि ये जो पूरा एड स्पैन है हिंदुस्तान में, जिसमें प्रिंट मीडिया में अखबार हैं, मैगजीन है, डिजिटल मीडिया है जिसमें तमाम डिजिटल वेबसाइट्स हैं, टेलीविजन है, रेडियो है, सिनेमा का जो एडवर्टीजमेंट है, होर्डिंग है, इस ये जो पूरा एड स्पैन है, ये कितने हजार करोड़ का एडवर्टीजमेंट इसमें मिलता है, और उस एडवर्टीजमेंट के लिए हर किसी को अपना अपना शेयर चाहिए। अगर एनडीटीवी ने 500 करोड़ रुपए लगा करके एक चैनल लॉन्च किया है तो उनको इतना पैसा चाहिए कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए चैनल के रनिंग की कॉस्ट आती है उसको निकाला जा सके। मिसाल के लिए हम आपको बताते हैं, जब इंडिया टीवी चैनल लॉन्च हुआ तो रजत शर्मा ने बहुत बढ़िया चैनल बनाया हार्ड न्यूज का। एक प्रोग्राम था आपकी अदालत, जो वो खुद एंकर करते थे। एक प्रोग्राम था एक्सपोजे का, जो तरुण तेजपाल उस जमाने में तहलका की बहुत धूम थी, तरुण तेजपाल को दिया गया था एंकर करने के लिए। एक प्रोग्राम था वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जो मेनका गांधी जिसकी एंकर बनाई गई थी। एक प्रोग्राम था जो तमाम तरह के सब्जियों में मिलावट और इस तरह के, उसमें एक अनीता शर्मा बिश्टेक उनकी सीनियर एंकर हैं, उनको दिया गया था वो एंकर करने के लिए। हिंदुस्तान के हर 100 किलोमीटर पे उन्होंने एक स्ट्रिंगर रखा था कि हर 100 किलोमीटर से उनका कहना था कि ये खबर आनी चाहिए दिखाने के लिए, क्योंकि उसका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए न्यूज़ में। जो हम अर्बन रूरल डिवाइड की बात कर रहे थे कि 83 करोड़ लोग रहते हैं, इतने लोग 3 लाख लोग खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन लैक्मे इंडिया फैशन वीक को कवर करने 512 लोग जाते हैं, उसके 10% लोग विदर्भ में और बुंदेलखंड में किसान की खुदकुशी नहीं कवर करते हैं। उन्होंने 100-100 किलोमीटर पे रखे, उनके न्यूज़ की TRP आती थी 1%, 2%, 2.5%, 3% TRP आती थी, 1.5-2.5 साल तक ऐसे चलता रहा। उन्होंने बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट किए थे, जब वो ZTV में काम करते थे, उनको काफ़ी पैसे मिले वहाँ पे, उस प्रोड्यूसर थे पूरे प्रोग्राम के, और अदालत वहाँ पे बनाते थे, ज़मीनें उमीनें सस्ते ज़माने में ख़रीद ली थी, जो बाद में बहुत करोड़ों रुपए की हो गई। उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच बेच के अपने इम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें दी। उस तब तक, आज तक न्यूज़ चैनल जो है इस रेस में आ गया था, जिसमें बिना ड्राइवर की कार, पता नहीं आपने देखा याद है या नहीं, 3 घंटे दिखाया कि एक बिना ड्राइवर की कार चल रही है, घड़ियाल का रूट कनाल, घड़ियाल के दांत का रूट कनाल दिखा रहे थे, भूत दिखाना शुरू कर दिया था हिंदुस्तान में। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, क्योंकि हम किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहते थे। हिंदुस्तान में न्यूज़ को तिलस्म और ये सब बनाने में उनका पहला रोल है आज तक का। एक फंक्शन में अवार्ड मिल रहा था, जिसमें हमें भी मिल रहा था, और अरुण पुरी साहब प्रणॉय रॉय को दे रहे थे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वहाँ से कोई उनसे पूछ रहा था कि आप ये सब क्यों दिखाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जब बच्चा जवान बूढ़ा बच्चा जो है, जब बचपन से जवानी में कदम रखता है तो कई तरह की गलतियाँ करता है। तो एक बार हम खड़े हुए, हमने सोचा खड़े होकर कहें तो क्या माँ बाप आँख बंद कर लेते हैं क्या, लेकिन हमें लगा ये बदतमीजी हो जाएगी। हमारे चैनल के मालिक हैं, वो भी बड़े हैं, बहुत बड़ा रोल है उनका हिंदुस्तान के जर्नलिज्म में। ठीक है, TRP के लिए कुछ लोग कुछ कुछ करते हैं, लेकिन उससे उनके रोल को नहीं नकारा जा सकता। इंडिया टुडे का जो रोल है, जो इंडिया टुडे ग्रुप का रोल है, ओवरऑल जो उनका रोल है, तो हमें लगा कि ये बहुत बेहूदगी होगी अगर हम ऐसी बात करेंगे। लेकिन वाकई ये जो है क्या कि ये बिजनेस की वजह से ये चीज़ लोग आपको दिखाते हैं। तो अब तरीका क्या हो, क्या ऐसा किया जाए, हम न्यूज़ दिखाते हैं और हमारी TRP नहीं आएगी, हम मार्केट में जाते हैं ऐड लेने तो वो कहता है साहब आपको तो लोग देखते ही नहीं हैं, वो राखी मिक्का वाला चैनल देख रहा था, वो लैक्मे इंडिया फैशन वीक वाला देख रहा था, हम आपको क्यों पैसा दें, हम कहाँ से पैसा लाएंगे। NDTV ऑस्ट्रेलिया और US में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इतने लोग हमें पहचानते हैं, हमारा हिंदी चैनल भी देखा जाता है, हमको ऑस्ट्रेलिया के शहर शहर में लोग पहचानते हैं, हम जाते हैं हमसे मिलते हैं। लेकिन
वहां से जो प्लेसमेंट की फीस है वो बहुत होती है, वो आती है, तो जो हिंदुस्तान में हम घाटा उठाते हैं उस घाटे को कॉम्पेंसेट करते हैं, उसकी कॉस्ट पे हम यहाँ घाटा उठाते हैं और सर्वाइव करते हैं, लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया और यूएस में नहीं दिखाएंगे प्लेसमेंट फीस जो मिलती है, अगर उससे हम काम नहीं चलाएंगे तो हम बंद हो जाएंगे न्यूज़ दिखा करके, क्योंकि आज वो माहौल है जिसमें जो न्यूज़ के अलावा जो चीज़ें आ रही हैं उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। ये ठीक कैसे हो कि आप न्यूज़ को देखें, इसके लिए बिजनेस मॉडल शायद चेंज करने की ज़रूरत होगी। मिसाल के लिए हम आपको बताएं, बीबीसी वर्ल्ड कब कायम हुआ था, 1922 में कायम हुआ था, कितने साल हो गए, 88 साल मेरे ख्याल से हो गए, 1922 से अब तक 88 साल हो गए। हिंदुस्तान का सबसे पुराना सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट मीडियम है जो बीबीसी वर्ल्ड, वो 1922 में कायम हुआ था। बीबीसी वर्ल्ड जो है हर हाउस होल्ड से उन्होंने एक फिक्स कर रखा है एक फीस कि करीब 150 पाउंड हर कोई सरकार के खजाने में जमा करेगा जिससे बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ टेलीविज़न और रेडियो और वेबसाइट रन की जाएगी। आपको पता है कि 2014-15 में बीबीसी वर्ल्ड को लाइसेंस फीस से $375 बिलियन मिला है, $375 बिलियन जिससे बीबीसी चलता है, $375 बिलियन पब्लिक ने दी है फीस जिससे बीबीसी चलाया जाता है। हिंदुस्तान के टेलीविज़न को कोई पब्लिक फीस नहीं देती है, वो एडवर्टीजमेंट से चलता है, एडवर्टीजमेंट मिलता है टीआरपी से, और टीआरपी आती है जिसको हम बता रहे हैं सेक्स है, बिजार चीज़ें हैं, भूत है, सास बहू साजिश है वगैरह वगैरह से टीआरपी आती है। अब देखिए अल जजीरा कायम हुआ कब, अल जजीरा चैनल आप लोग देखते होंगे, 1996 में अल जजीरा कायम हुआ, 1996 में जो बीबीसी अरेबिक है वो बंद हो गया था, जो अरब कंट्रीज़ के लिए बीबीसी अरेबिक चैनल था उन्होंने बंद कर दिया था, तो कतर ने अल जजीरा कायम किया। जो कतर के शेख हैं उन्होंने 1996 में अल जजीरा चैनल को करीब 5 साल रन करने के लिए तकरीबन $150 मिलियन दिए, $150 मिलियन जो शेख हमद बिन खलीफा हैं जो कतर के अमीर हैं उन्होंने $150 मिलियन अल जजीरा को दिए कि आप 5 साल तक अगर आपको एडवर्टीजमेंट ना भी मिले तो आप सर्वाइव कीजिए, और इन 5 सालों में आप कोशिश कीजिए आप सेल्फ रिलायंट होने के लिए कि आप अपने पैसे से अपने चैनल को चला सकें। तो आज मुश्किल ये है कि वो कैसे, जिस आदमी ने, हमने आपको एक रजत शर्मा की मिसाल दी कि कैसे हिंदुस्तान में आप एक न्यूज़ चैनल को रन करें जो एक अच्छा न्यूज़ चैनल हार्ड न्यूज़ बनाए और उसके बाद उसकी टीआरपी भी आए और उसको एडवर्टीजमेंट भी मिले जिससे उसको चलाया जा सके। इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट की बात हो रही है आजकल, लोग क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं, दुनिया के कुछ मुल्कों में क्राउड फंडिंग से कुछ चीज़ें चल रही हैं कि पब्लिक से आप फंड रेज करके एक पब्लिक के लिए चैनल लॉन्च कीजिए। तो बहरहाल ये बहुत अभी वेग सा कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में, तो आप लोगों से को हमने ये बताने की कोशिश की कि कैसे न्यूज़ टेलीविज़न एक पब्लिक ओपिनियन बनाता है, उस न्यूज़ टेलीविज़न का हिंदुस्तान में जो क्या कंसर्न है, कितना बड़ा रोल अदा किया है, क्यों वो भूत दिखाता है, क्यों वो प्रलय दिखाता है, दुनिया तबाह हो जाएगी अगले 3 महीने में, क्यों वो तमाम तरह के अंधविश्वास की खबरें भूत प्रेत दिखाता है, और उसकी वजह क्या है, कैसे मार्केट जो है उस न्यूज़ टेलीविज़न को कंट्रोल करता है, उसके इकोनॉमी का क्या सिस्टम है और क्या किया जाए, इसके ऊपर सबको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि आप उस किसान की मौत की खबर ज़रूर देखिए ताकि हमारी न्यूज़ लोग देखें, जो अच्छी न्यूज़ दिखाने वाले चैनल हैं और उनका चैनल चल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, और दोबारा मैं कहूँगा कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी में बुला के हमें जो इज़्ज़त दी इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं।